मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट जाना जाता है अपने मल्टी पर्सन लैडर मैच के लिए, जहां पे WWE सुपरस्टार्स लैडर क्लाइंब करके रिट्रीव करते हैं एक ब्रीफकेस, और उस ब्रीफकेस में होता है WWE चैंपियनशिप कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैलिडिटी एक साल होती है। ये लैडर मैच एक गेम चेंजिंग मैच होता है फॉर ऑल द WWE सुपरस्टार्स। मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के आसपास सिर्फ लैडर मैच की ही बात होती है, और कहीं ना कहीं सबको ये लगता है कि WWE चैंपियनशिप मैच बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट हो जाता है इस लैडर मैच की वजह, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओवर द इयर्स हमने कुछ ऐसे मेमोरेबल और एपिक WWE चैंपियनशिप मैचेस देखे हैं मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट हिस्ट्री में, जिनकी चर्चा आज तक WWE यूनिवर्स के बीच होती रहती है। क्या आप जानते हैं ऐसे WWE चैंपियनशिप मैच के बारे में जो मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट में हुआ था, जिसने WWE का कॉम्प्लेक्शन फॉरएवर चेंज कर दिया था? क्या आपको पता है कुछ ऐसे WWE चैंपियनशिप मैचेस के बारे में जो कि मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट पे हुए थे, लेकिन उन मैचेस में ही मनी इन द बैंक ब्रीफकेस भी कैश इन हो गया था? क्या आपको पता है एक ऐसे लैडर मैच के बारे में जो कि मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट पे हुआ था, लेकिन वो लैडर मैच खुद WWE चैंपियनशिप के लिए था? तो आज हम कुछ एपिक WWE चैंपियनशिप मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि हुए थे मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट पे। उससे पहले रेसलिंग सीरीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके सब्सक्रिप्शन से मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है आने वाले वीडियोस को एग्जीक्यूट और प्रोड्यूस करना। तो चलिए, इट्स क्लॉबरिंग टाइम। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पूरे इंडिया को बधाई देना चाहूंगा फॉर द ICC वर्ल्ड T20 विक्ट्री। हम लोगों ने वर्ल्ड कप फाइनली जीत लिया है और बहुत ज्यादा खुश हूं मैं, इसलिए आज वीडियो थोड़ा लेट आ रही है बिकॉज कल सेलिब्रेट करते करते बहुत लेट हो गया। सो कांग्रेचुलेशंस इंडिया ऑन विनिंग द वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप। दोस्तों, 17 जून 2013 मंडे नाइट रॉ में जॉन सीना एक प्रोमो कट करते हैं, फाइनली उन्होंने कैसे रॉक को हरा दिया और WWE चैंपियनशिप अपने नाम कर दी। वो बात कर रहे थे रेसलमेनिया 29 की, जहां पे जॉन सीना ने रॉक को हरा के WWE चैंपियनशिप नाम करी थी। तभी वहां मार्क हेनरी की एंट्री होती है और मार्क हेनरी अपनी रिटायरमेंट स्पीच रेडी करके आते हैं कि वो WWE से रिटायरमेंट ले रहे हैं। इसी वक्त जॉन सीना उनको हक करने आते हैं और तभी हम देखते हैं कि मार्क हेनरी एकदम से जॉन सीना के ऊपर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्लैम एग्जीक्यूट कर देते हैं, और ये मोमेंट किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्क हेनरी हील टर्न करेंगे जॉन सीना के ऊपर। इसके बाद हेनरी कहते हैं कि वो WWE चैंपियनशिप के लिए जॉन सीना चैलेंज करेंगे एट द मनी इन द बैंक 2013 प्रीमियम लाइव इवेंट। इस मैच की स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी थी। इस मैच के एंड में देखा जॉन सीना ने मल्टीपल टाइम्स STFU अप्लाई करा मार्क हेनरी पे, और फाइनली मार्क हेनरी ने सबमिट किया और जॉन सीना ने हेनरी को हरा के रिटेन करी अपनी WWE चैंपियनशिप। स्टोरी लाइन वाइज ये बहुत ही बढ़िया मैच था और काफी इंजॉयबल मोमेंट्स भी थे इसमें। दोस्तों, एलिमिनेशन चेंबर 2015 में डीन एम्ब्रोस ने सेथ रॉलिंस को हरा दिया वाया डिस्क्वालिफिकेशन, लेकिन इस केस में सेथ रॉलिंस रिटेन कर जाते हैं अपनी WWE चैंपियनशिप, लेकिन उसी के बाद डीन एम्ब्रोस उनकी बेल्ट चुरा के वहां से चले जाते हैं। इसके बाद बुक होता है सेथ रॉलिंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस फॉर द WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एट मनी इन द बैंक 2015 प्रीमियम लाइव इवेंट। ये एक लैडर मैच होने वाला था, बहुत ही फास्ट पेस्ड मैच था, और इस मैच में हमने देखा डीन एम्ब्रोस ने कैसे सेथ रॉलिंस के ऊपर डर्टी डीड्स एग्जीक्यूट किया, वो भी अनाउंस टेबल पे। मैच के एंड में हमने देखा WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एक्सीडेंटली अनहुक हो जाती है सीलिंग से, और डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस दोनों लैडर से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन नीचे गिरने की प्रोसेस में सेथ रॉलिंस के हाथ में वो बेल्ट आ जाती है और सेथ रॉलिंस रिटेन करते हैं अपनी WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल फिनिश थी इस मैच की, लेकिन ये लैडर मैच WWE की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड लैडर मैचेस है। दोस्तों, 2014 में जब डैनियल ब्रायन को अपनी WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वेकेट करनी पड़ी थी ड्यू टू इंजरी, तभी अनाउंस हुआ एक लैडर मैच मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट 2014 में क्राउन द न्यू WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, और इस लैडर मैच के पार्टिसिपेंट्स थे रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंज, जॉन सीना, केन, ब्रे वाइट, सिजारो, शेमस और अल्बर्टो डेल रियो। सिंस ये सारे WWE सुपरस्टार्स उस वक्त के टॉप स्टार्स थे WWE में, सो एक बहुत ही थ्रिलिंग लैडर मैच वाज ऑन द कार्ड्स फॉर द WWE यूनिवर्स। इस मैच में हमने देखे बहुत सारे मेमोरेबल और नोटेबल मूवमेंट्स फ्रॉम ऑल दीज टॉप WWE सुपरस्टार्स। मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट की हिस्ट्री में इस लैडर मैच की चर्चा आज तक होती है WWE यूनिवर्स के बीच में। मैच के एंड में हमने देखा जॉन सीना ने एटीट्यूड एडजस्टमेंट एग्जीक्यूट किया केन और रैंडी ऑर्टन पे, और वो बन जाते हैं न्यू WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। दोस्तों, मई 2016 में सेथ रॉलिंस अपनी ग्रैंड रिटर्न करते हैं फ्रॉम अ नी इंजरी, और वो अटैक करते हैं WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रोमन रेंज को। WWE ने मैच बुक किया बिटवीन रोमन रेंज एंड सेथ रॉलिंस फॉर द WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एट मनी इन द बैंक 2016। ये बहुत ही हार्ड फोर्ट मैच होता है बिटवीन बोथ द कंपेटिटर्स विद अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ एक्शन। एक टफ मैच में सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंज पे एग्जीक्यूट करी मल्टीपल पेडिग्रीज और उनको पिन करके सेथ रॉलिंस बन जाते हैं न्यू WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। उसी के बाद डीन एम्ब्रोस का म्यूजिक हिट होता है और वो सेथ रॉलिंस को अटैक करते हैं विद द मनी इन द बैंक ब्रीफकेस, और वहीं पे कैश इन करके डर्टी डीड्स एग्जीक्यूट करते हैं रॉलिंस पे और उनको पिन करके बन जाते हैं न्यू WWE
वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इसी तरह हमने देखा है यूनिक विजुअल, एक ही नाइट में शील्ड के तीनों मेंबर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन थे। दोस्तों 2011 समर टाइम को हम समर ऑफ पंक के नाम से भी जानते हैं। ये वो वक्त था जब सीएम पंक के स्टॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। मनी इन द बैंक 2011 प्रीमियम लाइव इवेंट में सीएम पंक चैलेंज कर रहे थे जॉन सीना को फॉर हिज डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। और इसी प्रीमियम लाइव इवेंट में सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट भी एंड होने वाला था। मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड में सीएम पंक अनाउंस करते हैं वो जॉन सीना को मनी इन द बैंक 2011 में हरा के नए डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनेंगे और बिना डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट साइन किए डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप बेल्ट के साथ वॉकआउट कर जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई से। ये सुन के विंस मैकमैन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इस मैच में हमने देखा सीएम पंक ने कैसे जॉन सीना को हराया और बन गए न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। मैच के एंड में विंस मैकमैन की एंट्री होती है और वो अल्बर्टो डेल रियो को बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि अभी के अभी मनी इन द बैंक कैश इन करो सीएम पंक पे सो दैट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप बेल्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई में ही रहेगी। लेकिन तभी हमने देखा सीएम पंक ने डेल रियो को अटैक करा और उसी टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के साथ सीएम पंक एग्जिट कर देते हैं अरीना। दोस्तों ये मैच द बेस्ट मैच है मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट की हिस्ट्री में बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक स्टोरी लाइन एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ सीएम पंक्स मैसिव पॉपुलैरिटी इन 2011। सो दोस्तों ये थे कुछ एपिक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैचेस मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट्स पे। वीडियो को एक लाइक कर देना यार और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, इससे मेरी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में एक नए डब्ल्यूडब्ल्यूई के किस्से के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।